एक आस्था होंदी है, मेरा आने का एक खास कारण है। मैं मानता कि ये बाबे की मेहर नाल ही खुलिया सी, ते उहदी मेहर नाल ही दुबारा खुलना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और मैं ये आस्था इस करके भी लेके आया भी उहदे दर दे उत्तों जो प्रकाश होना है, साडा तां माँ बाप उही है ना, उहदे दर तों जो प्रकाश होना है उन्हें दुनिया नूं सेध देनी, सिदक देनी। वह साडा चानण मनारा है, जिथे जदों सिख साफा लाउंदा है कोई धर्म का बंदा सा जगतगुरु है, तो उन्हू सोझी भी मिलती है, उन्हू दिशा भी मिलती है, आपसी भाईचारे नू बल मिलता है, बाबे दे फलसफे दा एक प्रचार प्रसार हुंदा है। कहिंदे ना जदों जन्म होया सी मिट्टी धुंद जग चानण होया, वो चानण चाहीदा है, ये मतलब ये आसरा सानू चाहीदा है। झुलसदे लोकां नू ये आसरा चाहिए है। इस करके मैं उही अरदास करना आ कि हे बाबा मेहर कर, ये लांघा खोल, क्योंकि तू साडा माई बाप है, तू साडा मुढ़ है, तू साडी जड़, तेरा जिहड़ा मंत्र वो भी साडा मूल है, जड़ उहनू सींच के ही कोई सिख प्रगट गुरां की दे वल वधदा है, समझदे? ते वह जदों चानण सारे पासे फैलिया और जिहड़ा उस जगह का ऊर्जा है ना, उस जगह की बेटा वो बयान तो बड़ी परे है। कोई अपने धर्म स्थली मक्का होवे, कोई होवे, किसी का भी होवे, उत्थों 5 किलोमीटर दूरों दर्शन करे तो जचदी नहीं ना गल, है नहीं? सरकारां कोल बड़ियां विनतियां कर लियां, तो हुण बाबे नूं ही करनी है भी मेहर कर, तेरी कृपा दे नाल ही फेर लांगा खुल। तो मैं ये भी मेहर इत्थे अरदास करना आया, जिहड़ी कि मेरे दिल की तांग है कि अपने किते नूं जिन्हां दे लड़ ला के गया सी, अन्नदाता बना के गया सी, उहनूं उत्तम दर्जा दे के गया सी, उत्तम खेती, वो भी घर नहीं परते, सड़कां ते ने, कुछ ऐसा प्रताप तेरा होवे कि वो घर परतन, जित ते उन्हां दी पक्की है, दुनिया च कोई किसान मूवमेंट नूं हरा नहीं सकिया। बोले सोनिहाल, जय श्री अकाल। कानून लंगड़े है, असीं विधानसभा दे विच बिल्कुल ही खत्म कर देने हैं, जब तक साडियां रगां च लहू है ये कानून लागू नहीं होने देंगे, असं ये भुल जाए कोई। लेकिन ये भी गल पक्की है कि जो बाबे नानक का किता है, एक समाजिक संघर्ष है, ये समाजिक संघर्ष जड़ा है ये आर्थिक ताकत बन के उभरे, इज्जत दी रोटी उदे भाई लालो जड़े ने जिन्हां दी रोटी चों अज भी दुध निकलदा है, उहनां नूं उहनां दी इज्जत बहाली होवे, वो आप संपन्न होण, ते दुनिया दे विच उहनां दा जय जयकार होवे, क्योंकि वह 60% आबादी है, वो 60% आबादी दे उत्ते राजनीतिक ताकत किसी होर दी क्यों होवे, वित्ती ताकत किसी होर दी क्यों होवे। इस करके ये भी बड़ी वड्डी अरदास है, ये भी साड़ी अज बड़ी वड्डी दिल दी तांग है कि जिथे 600-700 बलिदान हो गए किसान वीरां दे, अज क्यों वो घर नहीं परते। भरोसा आवे, एक रोड मैप होवे, उन्हां दी सहमति दे नाल एक ऐसा रस्ता बने जिथों किसानी ना सिर्फ उजागर होवे बल्कि संपन्न होवे। और जो मैं कह रहा इस मकसद लई मैं जी रहा और ये पूरा हो कि उन्होंने नाल बैठ के एक सांझा रोड मैप तय होवे जिथे ये सोशल मूवमेंट, ये कोई भरम च ना रहे, किसी
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਪਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਘਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 70,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਅਸੰਖਯ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 75% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 5,000 ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਇੱਕ ਵਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਖ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਹਰ ਧਰਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 4-5 ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਊਰਜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕੀਆ ਬਣਾ ਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ
मैं जो कुछ भी कह रहा अंतरात्मा तो कह रहा अरदास करके कि और ये अरदास इसे करके कीती है दो ही सवेरे जड़ी मैं अरदास भी कीती है वो एक कोई मतलब गल ही है कि तेरी मेहर ना खुलिया सी मेहर कर बाबा ये लंघा खोल केंद्र ने बंद किया मैं क्या फिर देखो उस सुप्रीम प्रवेडिंग ताकत दे अगे केड़ा केंद्र साडा तो सारा केंद्र बिंदु ही है तो पहला किसी ने रोक लिया तो सारिया ने आके उस नमन करके खोलिया ना अरदासा कबूल हुई ना तो अज भी वो मेहर मंगदा मैं तो अज भी अरदास की है कि भाई पंजाब के कल्याण साडा कल्याण निहित कर पंजाब का कल्याण तेरे दर के उत्ते साफा लाए बिने नहीं होंगे चाहे इत्थे लाओ चाहे दरबार साहब लाओ चाहे सामने गुरद्वारे लाओ इतों का असी ताकत पाने इतों तो असी ऊर्जा पाने तो इस करके दूजी अरदास की सी कि भाई बाबा जी किरत सभ्याचार तुसी दिता पंजाब नूं ते जड़ी किरत तुसी आप करदे सी वो लड़ ला के गए सी इत्थे 60% पंजाबी जड़ी उस किते दे मालक ने अज सड़कां ते ने उन्हां नूं घर परता उन्हां दी खातर एक चंगा रोड मैं तो हमेशा ही गल करता रहा कि उन्हां नूं किस तरह एक्सप्लॉयट किया जा रहा वो अन्नदाता ने ओही तेरे भाई लालो ने उन्हां दी रोटी चो ही दुध अज निकलदा है ते ओ हक हलाल दी कमाई नूं पागला कोई बैर नहीं है मलिक भागवां नाल भी असी पापी नहीं मारने पाप मारना है समझ उन्हां नूं पागला उन्हां दी इज्जत दी रोटी उन्हां दा जिहड़ा ये सोशल मूवमेंट है ये सोशल मूवमेंट नूं एक आर्थिक मूवमेंट दे विच तब्दील कर राजनीतिक वो नहीं बनाना चाहते ठीक कहते लेकिन वो आर्थिक मूवमेंट तो बन सकती है इज्जत की रोटी उन्होंने तो मिल सकती है ना वो मैं हमेशा पुरजोर तरीके नाल और वो आप अपना निर्णय तय कर सरकार नूं दसन तो फिर जिहड़ा ना तुरे उन्हें ला देन उन्हां को ताकत है भाई भावें कोल्ड स्टोरेज होण भावें डाइवर्सीफिकेशन होवे झोने तो पासे जाना होवे भावें होर गल्लां होण लेकिन वो इत्थे दा मसला नहीं है इत्थे दा मसला लैंड पोर्ट अथॉरिटी दा है सब तो वड्डा अरदास अड चीज़ है कुछ मंगा ने वो अड चीज़ है वो तो जायज़ मंग है ना कि दो साल पहला जदों इत्थे असी आउंदे मेरे ताए दे समय तो साढ़े पुरखियां दे समय तो लोग इत्थे आके दूरबीन नाल दर्शन दीदारे करके अपना नमन करके इत्थों जांदे हुंदे सी अज है नहीं अज भी 5000 लोग इत्थे आउंदे है तो जे लांघा खुलता भी है तो 75% को पासपोर्ट नहीं है तुम यह स्ट्रिंजेंट कंडीशन ला दी हैं समझ तो जदों ये चलिया तो एक दिक्कत नहीं आई 70,000 लोगों ने दर्शन किए सो वो जल्द तो जल्द बने जे उन्होंने कोई दिक्कत परेशानी है सानू कह दे भाई तो पंजाब सरकार वडभागी समझू अपने आप नू देखो मैं तुहानू फिर क्या बाबे दा दर है इहनू यार पाकीज़ा दर पवित्र दर है इत्थे जिहड़ी नहीं नहीं यार जिहड़ी जिहड़ी ऊर्जा है ना इत्थे उस ऊर्जा नू मैला ना करे शाम नू करांगे ओहदी शाम नू करांगे सारा दिन पिया सारा समां पिया यार मैं जे उदों नहीं कीती साल मैनू किन्या ने की कहा कुछ कहा ना ये जरिया जरिया मात्रा निमित मात्रा कख भी नहीं